सावधानी बहुत बरतना गाइस। देखिए मेरे करंट लग गया। ओहो, नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रकाश, स्वागत है आपका नई वीडियो पर। गाइस आज हमारे पास है एक छोटी सी सप्लाई जो कि आप एसी 220 वोल्टेज से आपको डायरेक्ट ये 12 वोल्टेज देगी आउटपुट बिना किसी ट्रांसफार्मर के ज़्यादा कुछ खर्च के। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए और गाइस ये सप्लाई एक LED लाइट चार्जर की है गाइस, उसमें लगी हुई थी और मैं ये निकाल के लाया हूँ। फिलहाल तो मुझे कबाड़े से ही मिली, मैं ज़्यादातर कबाड़ों से ही सामान उठाता हूँ, स्क्रैप वाले के पास से मुझे मिली है ये। तो गाइस देख लीजिए कुछ इस टाइप के कंपोनेंट लगे हुए, मैं इनकी सारी लिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो चीज़ में यूज हुई है। फिलहाल मैंने नहीं किया, अगर आप चाहते कि ऐसी सप्लाई आपको बना के दिखाऊँ तो गाइस कमेंट कर देना, मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ ऐसी सप्लाई। तो गाइस फाइनली अब हम आज इसकी करेंगे टेस्टिंग, क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो गाइस मैं फटाक से इसके जो टायर लगे हुए हैं कटे फटे ये सबको निकाल देता हूँ और साफ साफ करके दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस मैं इसमें पेस्ट लगा दिया हूँ, उसके बाद निकालता हूँ इसके सारे वायर। ओके गाइस, तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। गाइस मैंने इसके सारे टुकड़े कटे हुए थे तार के सब निकाल दिए, अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इसको शो करके कि किस टाइप का दिखता है ये। और वीडियो लास्ट तक गाइस जरूर देखना आप, क्योंकि पूरा देखने में ही थोड़ा नॉलेज मिलता है। आप आधा छोड़ के चले जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा नॉलेज। तो गाइस इस तरह से साफ दिख रहा है, इसमें चार डायोड लगे हुए हैं और तीन रेजिस्टेंस, एक LED और एक बड़ा सा ये PF कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस इसके साथ लगी हुई और एक ही स्विच है गाइस ऑन ऑफ, ऑन और ऑफ का गाइस। तो आप देख लीजिए इसमें तीन वायर लगे हुए हैं और मुझे ये मिला था, मैंने कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना चाहिए, दोस्तों को दिखाना चाहिए जो मेरे साथ के हैं। तो देख लीजिए आप इस तरह से। और गाइज मैंने इसमें AC 220 वोल्टेज का कनेक्शन कर दिया क्योंकि पहले से ही मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिलहाल मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा हूँ गाइज, तो देख लीजिए आप। और किसी दिन मेरे को इसके कंपोनेंट अगर मार्केट से मिल जाएंगे, दुकान खोलेगी, तो मैं आपको इसको बना के भी दिखाऊँगा ऐसी सप्लाई आपको एक। तो गाइज इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में सप्लाई देंगे। ओके गाइज, तो सीरीज में सप्लाई दे दी मैंने गाइज, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये LED ब्लैंक हो रही है, कैमरा गाइज ऐसी दिख रही है, बाकी LED ठीक जल रही थी ये। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है, सप्लाई आ चुकी है। और गाइज अब करना है इसके फाइनल वोल्टेज चेक करेंगे इसके कि वोल्टेज कितने आउट दे रहा है क्या कर रहा है। उससे पहले हम क्या करते हैं गाइज, इसमें कहीं ना कहीं एक कैपेसिटर लगना चाहिए जिससे कि इसकी सप्लाई जो फिल्टर हो जाए। तो गाइज हम इस समय 25 वोल्टेज 4700-2200 UF का लगाएंगे कंडेक्सर कैपेसिटर, वो मैं आपके लिए भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए गाइज मेरे पास है एक 25 वोल्टेज 2200 UF का, ये देख लीजिए 2200 का ये UF का कंडेक्सर 25 वोल्टेज का। तो फाइनली इसमें हम लगाएंगे इसको कंडेक्सर को और उसके बाद करेंगे चेक, क्योंकि फ़िल्टर होने के बाद ही ये बढ़िया से चेक हो पाएगी। तो गाइज मैं सप्लाई दे देता हूँ AC 220 वोल्टेज के लिए, फिर इसके बाद चेक करते हैं इसको कि ये कितना वोल्टेज आउटपुट देता है हमें और किस तरह से क्या करता है। तो चलिए मैंने इसको सप्लाई दे दी है गाइज और फाइनली इसमें एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। हाँ तो देख लीजिए आप, इसमें सप्लाई आ चुकी है। फिलहाल मैं आपको पलट के दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए इसमें सप्लाई आ चुकी है, देख लीजिए आप ध्यान से इस तरह से। और गाइस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। और गाइस कुछ इस तरह से चेक करना है आपको इसको। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ सावधानी बहुत बरतना गाइस, देखिए मेरे करंट लग गया। ओहो, तो गाइज इस तरह से मेरे करंट लग गया है गाइज। आप जब काम करें तो अच्छे से करें सावधानी पूर्वक, और जब भी इसमें कुछ करें तो तार वगैरह मेरे हिसाब से हटा के ही काम करें। तो देख लीजिए आप, ये बाहर निकल गया। तो वोल्टेज सारे चेक करके मैं एग्जिट दिखाता हूँ आपको कितने वोल्टेज आउटपुट दे रहा है हमको ये। ओके गाइज, तो फाइनली गाइज इसमें लगभग 20 के एयरफेयर में वोल्टेज आ रहे हैं गाइस। ओके गाइस, तो 20 वोल्टेज आ रहे हैं इसमें, बाकी ठीक है 20 वोल्टेज तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल वगैरह भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ, और लाइक करना। और भी अगर मेरे वीडियो देखने बने हुए तो चैनल में बहुत सारे डाल रखे हैं हर टॉपिक पर तरह, अगर आपको भी किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और फिर आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो। मेरे पास एक बड़ा सा एम्पलीफायर पड़ा है ठीक होने के लिए, उसका वीडियो डालूंगा मैं। तो चलिए गाइस जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।